आज की वीडियो में आप देखेंगे थ्री स्टेप पे काम करने वाला जो स्टेबलाइजर है और बिना एलटी वाइंडिंग के। ये ओल्ड डिज़ाइन है लेकिन ये इस समय भी ये एलईएम 324 का जो ऑटोमेटिक बोर्ड है उसमें जो है यूज़ किया जाता है ये आईसी। ठीक है, इसको हम समझेंगे एक बेसिक के तरीके से। देखिए ये है ट्रांसफार्मर स्टेबलाइजर का। ठीक है, इसमें यहाँ पर ये अगर जोड़ा जाए न्यूट्रल तो 1, 2, 3, 4 यानी टोटल इसमें 4 लूप आउट हुए हैं, यानी 4 तार 4 वायर निकले हुए हैं ट्रांसफार्मर में, जो एक न्यूट्रल कॉमन है। इसके बाद स्टार्टिंग यहाँ पर देखें ये जो है एनसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये पोल यहाँ पे देखेंगे तो ये पोल मेन से आ रहा है, फिर एनओ, एनओ का जो इसका पॉइंट है ये जाके लास्ट में ये 3 नंबर से जुड़ा हुआ है, और यहीं पे जो है ये दूसरा रिले जो आउटपुट का रिले है ये एनसी पॉइंट से जुड़ा है। चलिए इसको छोड़ते हैं, हम इसमें बताते हैं ये कैसे काम करता है। 324 324 एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी है जिसके अंदर 4 ऑपरेशनल एम्पलीफायर बने हुए हैं, जिसमें से 2 यूज किया गया है। 2 इसलिए यूज किया गया है कि यहाँ पर 2 ही रिले के लिए काम में लिया गया है आईसी है। ठीक है, अब इस आईसी को जो सबसे पहले जो फर्स्ट सप्लाई दी जाती है जिसे बोलते हैं वर्किंग वोल्टेज, वो यहाँ पिन नंबर 4 पे इसको पॉजिटिव सप्लाई दिया जाएगा, जो यहाँ से ये जीनर के द्वारा फिक्स किया गया है जो कि 8.2 वोल्ट है। यहाँ से मिलने वाली सप्लाई इस पिन नंबर 4 पे 8.4 जाएगा, फिर उसके बाद ये 11 पॉइंट इस पे पिन पे यानी 11 नंबर पिन पे नेगेटिव आएगा। नेगेटिव को यहाँ से देखेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर पे, ये जो है यहाँ पे एक डायोड जो कि पॉजिटिव बना रहा है और दूसरा डायोड नेगेटिव बना रहा है, बीच में ये जो है कॉमन है इसका ग्राउंड, यहाँ पर 2 कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, अब इसको यहाँ पर देखें, जैसे ये पॉजिटिव सप्लाई हमारी प्लस वाली बनी तो प्लस वाली सप्लाई यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस 330 ओम हाफ वाट, 330 ओम हाफ वाट, उसके बाद एक जीनर के द्वारा यहाँ फिक्स कर दिया गया और फिक्स करके जो है इसे पिन नंबर 4 पे दे दिया गया। फिर ग्राउंड जो इसका नेगेटिव जो सप्लाई है इसको भी अलग से नेगेटिव दिया गया है, यानी प्लस और माइनस का नेगेटिव सप्लाई ये सेपरेट आईसी के लिए डिजाइन किया गया है। वो यहाँ पर देखेंगे तो जैसे ये नेगेटिव सप्लाई यहाँ पर आ रही है तो यहाँ पे 560 560 ओम सीरीज में लगा के और यहाँ पे 8.2 नेगेटिव, तो यहाँ 2 सप्लाई हो गई, यानी नेगेटिव भी फिक्स है यहाँ रेगुलेट है कि 8.2 और पॉजिटिव भी यहाँ पे फिक्स है 8.2, तो इसकी जो वर्किंग सप्लाई है वो फिक्स हो गई। ये फिक्स इसलिए किया गया कि इसकी जो सप्लाई फिक्स होना चाहिए, इसलिए कि यहाँ पे वोल्टेज अप डाउन होते हैं तो जिससे इसका जो वर्किंग प्रोसेस है उसमें प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि सप्लाई जो है रेगुलेट होना चाहिए किसी भी आईसी का। उसके बाद अब आइए नेक्स्ट देखते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। यहाँ पर देखेंगे तो ये जो है यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पिन नंबर 1 2 3 ये है इसका आउटपुट पिन नंबर 1, और यहाँ पर देखेंगे पिन नंबर 2 ये इन्वर्टिंग पिन है, और यहाँ पर 3 नंबर नॉन इन्वर्टिंग पिन है। नॉन इन्वर्टिंग पिन पे इसको फिक्स कर दिया गया है 150 ओम से ग्राउंड करके, फिर यहीं पे यहाँ 12 के यानी 12 के एक रेजिस्टेंस जो है आउटपुट से जोड़ दिया गया है जो फीडबैक का काम करता है। ठीक है, अब यहीं से जो आउटपुट से इसको 1K8 के द्वारा इसके बेस पे ये जो ट्रांजिस्टर है NPN CD100 पे जा रहा है, जिसका एमिटर ग्राउंड है और कलेक्टर इस रिले से जुड़ा हुआ है। रिले में ऑलरेडी पॉजिटिव पहले से कॉमन के रूप में इंटर है, जो कि दोनों रिले में इंटर है। कैसे, यहाँ पर देखें ये जो सप्लाई आ रही है प्लस की सप्लाई, ये इधर गई, फिर दूसरा नीचे आया इसमें गया। अब इसको जब नेगेटिव मिलेगा तभी ये रिले ऑन होगा। ठीक है, तो आप इसको नेगेटिव कहाँ से मिलेगा, इस ट्रांजिस्टर के द्वारा। इस ट्रांजिस्टर का नंबर है CD100। अब इसमें देखें ये काम कैसे करता है।
देखिए, जैसे हमने उसमें दिखाया था ट्रांजिस्टर बेस पे कि प्रीसेट कैसे मतलब अपना वोल्टेज डिफरेंस करता है, तो उसका डिफरेंस इसमें अंतर होता है, तो यही बेस पे जाता है, बेस इसको जो है ऑन कर देता है ट्रांजिस्टर को। तो बेस पे मिलने वाली जो सप्लाई फॉरवर्ड बायस की सप्लाई है पॉजिटिव, वो मिलते ही ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है, ऑन होते ही ये रिले ऑन हो जाता है। तो यहाँ पर देखें, एक दो तीन तीन प्रीसेट यूज किए गए हैं, जिसमें से एक है इनपुट एडजस्ट के लिए, दूसरा है बैलेंस एडजस्ट, और तीसरा है आउटपुट एडजस्ट, यानी